कैसे हैं आप सभी। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था तो उसमें कुछ कमेंट्स में लिखा हुआ था कि सर मेटा डाटा के बारे में बताइए, ये मेटा डाटा क्या होता है। बार बार चैनल पर लिखा आता है, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें लिखा आता है मेटा डाटा फेल्ड, मेटा डाटा इज़ नॉट अपलोडिंग प्रॉपरली, ऐसा कुछ लिखा आता है। ठीक है, तो मेटा डाटा है क्या, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लेना यदि आपको नई वीडियो इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेटा डाटा है क्या, मेटा डाटा को पहले समझ लेते हैं फिर इसका फिजिकली प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, चलिए। मेटा डाटा, जैसे कि आपने सुना होगा, जब हम कोई बुक खोलते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें होता है एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, आपको सभी को पता है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स में यदि हम बुक के अंदर नहीं जाना चाहते, यह पता करना है कि बुक के अंदर आखिर है क्या, तो वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से पता लगेगा हमें, इंडेक्स से। ऐसे ही इंडेक्स मेटा डाटा यूट्यूब का इंडेक्स ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। मेटा डाटा क्या है, आपको समझ में आ गया, ये इनबॉक्स है यूट्यूब का, यानी कि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर आखिर है क्या, बिना देखे ही आदमी या कोई भी आपका वीडियो के अंदर आखिर है क्या, उसका थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है आपके किससे, थंबनेल से। और तीन तरीके और हैं जो मेटा डाटा में शामिल होते हैं, जैसे कि पहला होता है टाइटल देना, वीडियो का टाइटल, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन, तीसरा होता है टैग। ठीक है, चलिए वीडियो को ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम यूट्यूब खोल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूट्यूब खोला, ऐसा इंटरफेस आया। इंटरफेस आते ही लेफ्ट साइड में लोगो है आपके चैनल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। चैनल के लोगो पर क्लिक करते ही योर चैनल लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। योर चैनल जैसे ही आया, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैग आ रहे हैं, मैंने टैग डाल रखे हैं बहुत सारे, ये भी मेटा डाटा का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए हम इस पर कस्टमाइज चैनल करते हैं। जैसे ही कस्टमाइज चैनल करते हैं, ऐसे ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने पर हमने अपने माई चैनल पर क्लिक किया, और इस तरह का इंटरफेस आ गया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर डैशबोर्ड लेफ्ट साइड में देखिए, डैशबोर्ड वीडियो, सेकंड नंबर पर वीडियो लिखा हुआ है, हमने वीडियो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ वीडियो जो अपलोड हो चुकी हैं पहले से ही, वे शो कर रहा है, और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से लिंक ले सकते हैं इस वीडियो का, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल में डायरेक्ट किसी भी फोल्डर में, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं यदि कोई समस्या आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि वीडियो कॉपीराइट की है या म्यूजिक लगा रखा है किसी का, या कैसे भी व्हाटएवर, आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, हमने इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने देखो कुछ टाइटल दिए हुए हैं, ऐड एंड रिमूव चैनल, हाउ टू मेक अ चैनल ऑन यूट्यूब न्यू टाइप्स। ठीक है, इस तरह ये टाइटल भी मेटा डाटा का ही एक पार्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी मेटा डाटा का ही पार्ट है। अभी जो टाइटल्स हैं, टाइटल को हमने लिख दिया, जो मेन वर्ड्स थे भी लिख दिए, और यदि हम कुछ नए कीवर्ड्स लेना चाहें तो कहाँ से लें। ठीक है, देखिए नए कीवर्ड्स हम कहाँ से लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक और चैनल, यहाँ से देखते हैं ऊपर, देखो सर्च में, यदि मैं सर्च में, एक मिनट रुकिए,
जस्ट अ सेकंड, हम एक नया चैनल खोल लेते हैं, यहाँ पर नई YouTube टैब खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने YouTube खोल लिया है, यहाँ पे देखो टाइटल लिख रहे थे हम, यहाँ पे YouTube ओपन हो रहा है। दूसरा YouTube का मैंने एक सेक्शन खोला है, देखो ऊपर सर्च बार है, मैं यदि लिख रहा हूँ कि चैनल ऐड एंड रिमूव, ठीक है, ऐड एंड रिमूव। जैसे मैंने ऐड एंड रिमूव डाला, ऐसे यहाँ पे देखिए आपको कुछ नाम सजेस्ट किए उसने, ये जितने भी नाम हैं ये आपको टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग में डालने हैं, तभी आपकी वीडियो रनिंग में आएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने ऐड एंड रिमूव डाला, यहाँ पे हमने पहले पे ही क्लिक किया, ठीक है, हमने इसे कॉपी कर लिया, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव इन YouTube, वाई ओ यूट्यूब, ठीक है, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं क्या आता है सजेस्ट, रिमूव और ऐड फीचर्स, इस तरह के नाम आपको सजेस्ट कर रहा है। देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, हाउ टू रिमूव फीचर्स चैनल और YouTube, ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया और इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अब जाते हैं वहीं पर जहाँ हम टाइटल लिख रहे थे, यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह के ही टाइटल, ये कह रहा है योर टाइटल इज टू लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो गया है, इसे थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है, हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमने छोटा कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको टाइटल लेने हैं, टाइटल ले सकते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह का, फिर से वहीं पर जाएंगे, यहाँ से कुछ और फीचर्स ले लेंगे, जैसे हमने टाइप किया है हाउ टू रिमूव, ऐसे ही नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, आपको कीवर्ड्स पर क्लिक करना है, ठीक है, कीवर्ड्स पर क्लिक करना है कहीं भी और उसे कॉपी कर लेना है, जो भी आपको पसंद है कीवर्ड, ठीक है। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर वहीं पर पहुँच जाएंगे हम, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन था हमारा, डिस्क्रिप्शन पर आकर हमें इसे कॉपी कर देना है इस तरह से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर आकर इसे कॉपी कर दिया। इसी तरह से आप बहुत सारे टैग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, टैग भी यहाँ से ले सकते हैं, और कोई भी किसी भी वीडियो में यदि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना वीडियो सजेस्ट सॉरी उसमें सर्च में नहीं आ पाएगी, ठीक है, सर्च में बहुत कम आएगी। तो ये वर्ड्स यहाँ से आप ज़रूर लीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए, और टाइप करते ही आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। देखिए जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहीं पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आपको यहाँ से इन्हें कॉपी पे लिख लीजिए, या डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, या कॉपी को यहाँ से कॉपी कट पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या अपने पेंसिल से लिख के उस पर टाइप भी कर सकते हैं। तो ये आपको टाइटल में भी डालने हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डालने हैं, और टैग में भी डालने हैं, ठीक है। अब बात आती है टैग की, यहाँ पर देखिए टैग है, मैं ट्यूबबडी का इस्तेमाल करता हूँ तो इसीलिए मैंने ट्यूबबडी से कुछ टैग लिए हुए हैं, तो आप टैग भी यहीं से कॉपी करके डाल लेना, ठीक है। यदि ट्यूबबडी के बारे में आपको नहीं पता तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ट्यूबबडी की जो वीडियो है उसे देखिए, ट्यूबबडी पूरा मैंने बता रखा है कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन फीचर्स जो हैं, तीन फीचर्स आपके मेटा डाटा के फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, ठीक है, और भी फीचर्स हैं इसके, जैसे कि हम अभी बताते हैं, एक मिनट रुकिए, जैसे हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आता है जनरल सेटिंग, चैनल्स, अपलोड डिफ़ॉल्ट एंड परमिशंस कम्युनिटीज, तो यहाँ पे जनरल आ रहा है, हम चैनल पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने चैनल पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कुछ हमने न्यू अपडेट्स कीवर्ड्स डाले हुए हैं, चैनल्स के क्या हैं ये, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
चैनल्स कीवर्ड्स या कीवर्ड्स हैं हमारे चैनल्स के कीवर्ड, यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स डालने हैं आपको, जिससे कि आपकी वीडियो सर्च में आए। तो ये भी मेटा डाटा का ही एक पार्ट है। तो प्लीज़ मेटा डाटा को इग्नोर मत कीजिए, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, विदाउट इसके आपकी वीडियो वेस्ट चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बट उससे पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नई वीडियो का नोटिस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।